हेलो। बोलो ना ये तो मैंने उल्टी और बढ़िया काम कर रखो है। वो पावन के तार नीचे को रगड़े ना, नहीं पावन में रगड़ के रखो तार बड़े काम नहीं चाहिए। जब का करूँ फिर वो खराब हो जाएगा। जब का हो हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हेलो, हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सभी के लिए आवाज आ रही है? सभी के लिए आवाज आ रही है या नहीं? आवाज क्लियर है ना सभी के पास? आप लोगों को कल की मीटिंग में हमने कुछ प्रॉब्लम के बारे में बताया था। अब उसकी ही कोई और भी प्रॉब्लम ले लेते हैं। इसके बाद आप लोगों को हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 14वां है, इस 14वें क्वेश्चन का दूसरा भाग और एक जो क्वेश्चन है 15वां, तो क्वेश्चन नंबर 14 और जो 15 है, इनमें से क्वेश्चन नंबर 14 पहले देख लीजिए। इसका भी पार्ट नंबर सेकंड है। ये का इसमें यदि डेल क्यू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो सिद्ध करना है यू ऑफ एक्स प्लस वन वाई टू इज इक्वल टू वन बाई टू यू एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन सिक्सटीन डेल स्क्वायर यू एक्स प्लस वन प्लस का डेल स्क्वायर यू एक्स। जैसा कि आप लोगों के सामने लिखा है, ये यू एक्स प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू हाफ यू एक्स प्लस वन माइनस का वन अपॉन 16 डेल स्क्वायर यू एक्स प्लस वन प्लस डेल स्क्वायर यू एक्स। तो जैसा कि आप लोगों के सामने ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम LHS को लेकर के चलें, एक और बात देखिए, ये जो डेल क्यूब एक्स है ना, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम। यहां से एक वैल्यू निकालेंगे जो इसमें काम आएगी। या तो आप उस वैल्यू को यही निकाल दीजिए या फिर लास्ट में निकाल लेंगे। डेल क्यू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो इसको लिख सकते हैं आप डेल स्क्वायर डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। डेल स्क्वायर, यहां जो डेल एफ ऑफ एक्स है, देखो इसमें एफ ऑफ एक्स ना होकर के इस जगह यू एक्स लिखा हुआ है। आपके क्वेश्चन में यहां एफ ऑफ एक्स ना होकर के यू एक्स लिखा हुआ है इस जगह, यानी यू एक्स लिखा हुआ है। ये यहां भी यू एक्स है। अब आप समझेंगे कि डेल यू एक्स, साइड में समझा रहे हैं आपको इस बात के लिए कि डेल यू एक्स जो होता है, अभी कोई नया चैप्टर नहीं है, अभी वही चैप्टर चल रहा है। आप खुद ही समझ जाइए, क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड बता रहे हैं हम, तो क्वेश्चन तो कोई नया है ही नहीं अभी। यानी जो चैप्टर है वो तो अभी नया है ही नहीं, पुराना ही चल रहा है। जैसे ही नया स्टार्ट कर देंगे तो चैप्टर का नाम भी लिख देंगे ऊपर, नाम के साथ साथ आपको बता भी देंगे।
अब देखो, टेल यू, डेल यू एक्स इक्वल टू, ये बनेगा यू एक्स प्लस एच माइनस यू एक्स। जैसा कि आप लोगों के सामने लिखा है डेल यू एक्स इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स प्लस एच माइनस यू एक्स। ये डेल वाला जो फॉर्मूला होता है ना, उसको लगाया है। ऐसे समझो जैसे डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अब अगर इसमें एच की वैल्यू वन लें, यदि एच इज इक्वल टू वन, तो ये बन जाएगा डेल यू एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस वन माइनस का यू एक्स। तो हम यहां वैल्यू रखें डेल यू एक्स की, तो ये बन जाएगा यू एक्स प्लस वन माइनस यू एक्स, यह हो जाएगा। अरे भाई, तुम में से कौन सा एलियन आ गया है? आरती बीएससी, भारती, भारती बीएससी सेकंड ईयर, ये चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, पेपर थर्ड है, और पेपर का नाम है संख्यात्मक विश्लेषण, और इसमें जो पहला चैप्टर है वह चल रहा है, और उसका भी क्वेश्चन नंबर 14, यानी ये चैप्टर अब कंप्लीट होने को है, इसीलिए आज ये कंप्लीट हो जाएगा और नया चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसमें डेल स्क्वायर यू एक्स प्लस वन माइनस यू एक्स इज इक्वल टू जीरो। टेंशन ना करें, किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो आज की वीडियो भी हम यूट्यूब पे डलवा देंगे, तो वहां भी एक बार एक काम कीजिएगा ना, तुम में से जो कोई स्टूडेंट नया आता है उसको जेके कॉलेज के नाम से, और जेके कॉलेज के नाम से यूट्यूब पे चैनल बना हुआ है, वहां जाकर के बीएससी पार्ट सेकंड ईयर की प्लेलिस्ट खोलोगे, उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज अभी तक की डली हुई हैं, आज की भी डलवा देंगे उस पे, तो किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है ना? अब देखो यहां, और बगैर ऑनलाइन रहे भी आप उसमें यूट्यूब पर क्या है आज तक तो जो कि डली हुई है उनको बगैर ऑनलाइन के यानी ऑफलाइन भी आप देख सकते हो। अब इस डेल स्क्वायर को हम ऑपरेट करें, तो ये बनेगा डेल स्क्वायर यू एक्स प्लस वन माइनस का डेल स्क्वायर यू एक्स इज इक्वल टू जीरो, और यह आ जाएगा डेल स्क्वायर यू एक्स प्लस वन। डेल स्क्वायर यू एक्स को ट्रांसफर करोगे दूसरी साइड में, तो डेल स्क्वायर यू एक्स, इसको हम समीकरण नंबर एक डाल रहे हैं, इसकी हमें बाद में जरूरत होगी, और जैसे ही इसकी बाद में जरूरत पड़ेगी तो इसीलिए हमने इसको क्या डाल दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, जो दे रखा है आप इसमें से एल एच एस को लेकर के चलें। अब एल एच एस लेने पर, जैसे ही एल एच एस लेंगे, तो ये है यू एक्स प्लस वन बाई टू, आप इसको लिख सकते हो ई की पावर वन बाई टू यू एक्स। वो कैसे समझें, इधर e की पावर वन बाई टू यू एक्स है, तो अब हमने आपको e ऑपरेटर के बारे में बताया था, e पे जितनी घात हो, देखिए हम e ऑपरेटर के बारे में पहले आपको बता चुके हैं, e की घात n हो और यहाँ यू एक्स हो तो ये होता है u ऑफ x प्लस एन एच। e n हो u x हो तो ये बनता है u x प्लस एन एच। अब ये n के साथ में h और आ जाता है, तो वही कंडीशन यहां ये बनेगा यू एक्स प्लस एन, एन की जगह है अपने पास वन बाई टू और h, लेकिन इसमें अगर हम h इज इक्वल टू वन लें तो ये बन जाएगा u ऑफ x प्लस वन बाई टू। तो सिंपल, अगर e की पावर वन बाई टू यू एक्स को आप लिख सकते हो यू एक्स प्लस वन बाई टू, तो फिर यू एक्स प्लस वन बाई टू को आप e की पावर वन बाई टू यू एक्स भी लिख सकते हैं ना। अब आप समझे इसमें, ये तो रहा e की पावर वन बाई टू यू एक्स, एक फॉर्मूला होता है जो कि आपने पढ़ा है, वन प्लस डेल इज इक्वल टू ई, ये रिलेशन है। अब e की वैल्यू अगर हम वन प्लस डेल रखें, इसकी पावर वन बाई टू है साथ में यू एक्स। अब एक और प्रसार होता है द्विपद प्रमेय से, वन प्लस एक्स की पावर एन,
इक्वल टू वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस, ये प्रसार और होता है तो इसको प्रसार करें तो ये बन जाएगा वन प्लस एन एक्स, तो एन की जगह आ जाएगा वन बाई टू, एक्स की जगह रहेगा ये डेल, फिर आएगा ये प्लस एन एन माइनस वन, तो एन की जगह वन बाई टू, वन बाई टू माइनस वन अपॉन में आ जाएगा ये फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर की जगह है ये डेल स्क्वायर। और भी टर्म्स होंगी लेकिन लिख नहीं रहे हैं, और लिख भी दोगे तो भी कोई मतलब नहीं रहेगा उनका, क्योंकि अभी ये जो डेल स्क्वायर है ना, इसके बाद डेल क्यूब आता, समझे, डेल स्क्वायर के बाद में डेल क्यूब आता, और डेल क्यूब की वैल्यू क्या है आपके लिए, जीरो दे रखी है। जब डेल क्यू जीरो हो जाएगा तो फिर अगला अंतर निकालोगे ना डेल फोर, वो भी जीरो होगा, डेल फाइव निकालोगे तो वो भी क्या है, जीरो होगा। यह बन जाएगा फिर, ऊपर लिखते हैं, चलो एक लाइन और बढ़ाते हैं इधर, तो ये बन जाएगा यहां वन प्लस वन बाई टू डेल प्लस, प्लस की जगह अब देखो यहां एक बटे दो और यहां एक बटे दो माइनस एक है, तो यहां ब्रैकेट में ये माइनस का एक बटे दो बचेगा, माइनस एक बटे दो का गुणा इसे एक बटे दो से करेंगे तो माइनस का आएगा एक बटे चार, लेकिन दो और ये है तो एक बटे आठ बन जाएगा, साथ में ये डेल स्क्वायर है। अभी डेल क्यूब वाली टर्म के बारे में हमने बताया कि जीरो होगी, डेल फोर भी जीरो होगी, डेल फाइव भी जीरो होगी, यानी सभी टर्म्स क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। और ये यू एक्स, इसको मिटा रहे हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका एक बार, ये सब समझाने वाली टर्म्स थी। ये यहां कुछ प्रसार लिखा हुआ है, ये वाला, ये एक गुणधर्म है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो इसमें यू एक्स प्लस वन वाई टू इक्वल टू, ये टर्म दे रखी है, तो हम यहां अगर लिखें इसे, दिस इंप्लाइज यू एक्स प्लस वन वाई टू इक्वल टू, और ये है वन प्लस, देखिए अगर हम यू एक्स को ऑपरेट करें तो ये बनेगा यहां यू एक्स प्लस, फिर आएगा वन वाई टू डेल यू एक्स माइनस वन बाई एट, और यह आ जाएगा डेल स्क्वायर यू एक्स। आप इसको लिख सकते हो यू एक्स प्लस वन बाई टू डेल यू एक्स माइनस वन अपॉन सिक्सटीन डेल स्क्वायर यू एक्स प्लस डेल स्क्वायर यू एक्स। इन दोनों टर्म को तो हमने यूं ही लिखा है, लेकिन लास्ट वाली टर्म है एक बटे आठ ना लिख करके एक बटे सोलह लिख दिया, इस फॉर्म में ये हमने तोड़ दिया है, क्योंकि हम समीकरण एक का उपयोग करना चाह रहे हैं। समझो इस स्टेप को कि डेल स्क्वायर यू एक्स को हमने दो बार लिख दिया, डेल स्क्वायर यू एक्स प्लस डेल स्क्वायर यू एक्स, जब इनको जोड़ोगे तो टू डेल स्क्वायर यू एक्स बनेगा, और उस टू से इस सिक्सटीन, यानी दो जो यहां आएगा जोड़ने पे, उस दो से सोलह को काटोगे तो आठ बार जाएगा, तो ये आठ आ जाएगा और ये बन जाएगा फिर डेल स्क्वायर यू एक्स। यानी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को इस स्टेप में। अब देखो, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था, डेल यू एक्स को क्या लिख सकते हैं, यू एक्स प्लस वन माइनस यू एक्स, थोड़ी देर पहले ही बताया हमने स्टार्टिंग में ही, तो यहां ये तो है यू एक्स प्लस वन बाई टू डेल यू एक्स की जगह लिखा जा सकता है, डेल यू एक्स की जगह यू एक्स प्लस वन माइनस का यू एक्स माइनस वन अपॉन सिक्सटीन। और देखिए यहां जो डेल स्क्वायर यू एक्स जो दो बार लिखा हुआ है, यानी जो डेल स्क्वायर यू एक्स लिखा है यहां दो बार, उस समय एक जगह देखो आपको प्रूव करना है, इस प्रूव करना है इसको देखते हुए, एक बटे सोलह यहां आ रहा है तो एक बटे सोलह में हमने वहां तोड़ा था, और एक डेल स्क्वायर यू एक्स है तो एक डेल स्क्वायर यू एक्स रहने दो, लेकिन एक डेल स्क्वायर यू एक्स प्लस वन है, तो यहां डेल स्क्वायर यू एक्स प्लस वन अगर आ जाता है तो ये पार्ट हो जाएगा ना,
तो ऐसा करने के लिए जो समीकरण एक बताया था उसमें डेल स्क्वायर यू एक्स की वैल्यू इक्वल है डेल स्क्वायर यू एक्स प्लस वन की, तो हम क्या करेंगे कि समीकरण एक से डेल स्क्वायर यू एक्स की वैल्यू डेल स्क्वायर यू एक्स प्लस वन लिख देंगे, प्लस में ये दूसरा है डेल स्क्वायर यू एक्स। अब यू एक्स प्लस वन बाई टू से अगर मल्टीप्लाई करें यू एक्स प्लस वन माइनस का वन बाई टू यू एक्स माइनस वन अपॉन सिक्सटीन डेल स्क्वायर यू एक्स प्लस वन प्लस डेल स्क्वायर यू एक्स। अब आप देखेंगे कि ये जो यू एक्स है यू एक्स ये वाला और एक ये वाला यू एक्स, इन दोनों में से देखिए अगर यू एक्स कॉमन लिया जाए तो यहां रह जाएगा एक और यहां आएगा माइनस का एक बटे दो, यानी एक माइनस एक बटे दो करें तो ये फिर एक बटे दो यू एक्स बचेगा। इन दोनों टर्म को यू एक्स को अगर हम कॉमन लें तो यहां से एक बचेगा माइनस एक बटे दो बचेगा, सॉल्व करेंगे एक माइनस एक बटे दो को तो फिर एक बटे दो ही आएगा। इन दोनों टर्म्स को सॉल्व किया यहां लिख दिया प्लस का वन बाई टू यू एक्स प्लस वन, इन दोनों को सॉल्व किया यहां लिखा इसको यूं ही लिख दिया माइनस वन अपॉन सिक्सटीन डेल स्क्वायर यू एक्स प्लस वन प्लस का डेल स्क्वायर यू एक्स, यहां से एक बटे दो को कॉमन लें तो ये रहा यू एक्स प्लस का यू एक्स प्लस वन माइनस का एक बटे सोलह डेल स्क्वायर यू एक्स प्लस वन प्लस का डेल स्क्वायर यू एक्स। आप देखेंगे कि यही टर्म आर एच एस है, तो यही क्या है आर एच एस है। तो उम्मीद करते हैं किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लें। किसी का कहना है कि क्लियर नहीं दिख रहा, अभी स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ी देर बाद रुको एक सेकंड के लिए बस। तब तक आप लोग क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसको पढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ें आप। क्लियर है ना सभी के पास? अच्छा देखो किसी किसी को प्रॉब्लम होती है भाई, एक दूसरे से शेयर कर लिया करो स्क्रीनशॉट फिर। ओके अब देखें इसमें क्वेश्चन नंबर जो 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है कि परिमित अंतर विधि का प्रयोग करते हुए निम्न श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी हमें क्या है योगफल ज्ञात करना है यानी सम निकालना है। तो ये कहा है यूजिंग द मेथड ऑफ फाइनाइट डिफरेंस फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, तो हमें क्या है सम फाइंड आउट करना है, योग निकालना है। योग निकालने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन तो दे रखा है आप लोगों के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू स्क्वायर एक्स प्लस टू स्क्वायर, यह वैल्यू दे रखी है आप लोगों के लिए। अब आप क्या करेंगे इसमें ये जो सीरीज है इसका सम आपको फाइंड आउट करना है। यहां तो इसको एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस वन बाई टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं ई एक्स का स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू स्क्वायर एक्स प्लस टू को लिख सकते हैं हम ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। समझें इसको इस तरह से क्यों लिख दिया,
ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका मतलब हुआ कि अगर आप ई लगाएं ई वाला फॉर्मूला तो एक्स की जगह हमें लिखना होगा एक्स प्लस टू एच, यानी ये लिखोगे एक्स की जगह एक्स प्लस टू एच, और स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा ही, ऐसे समझें जैसे ई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स है, यानी तो इसको लिखोगे एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच, एक्स की जगह एक्स प्लस टू एच करना होता है, एक्स तो ये रहता ही है, टू है वो एच के साथ में गुणा करके लिख दिया जाता है। अब आप देखेंगे इसमें कि अगर हम यहाँ एच इज इक्वल टू वन लें तो ये बन जाएगा एक्स प्लस टू स्क्वायर, वैसे ही ई एक्स स्क्वायर है तो यहाँ क्या है अब एक है, तो इसको लिखोगे एक्स की जगह एक्स प्लस एक एच, इसका स्क्वायर क्योंकि एक्स पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर रहेगा ना, ई पे घात एक है तो एक एच आएगा, ई पे यहाँ दो थी तो दो एच आ रहा था ये, फिर यहाँ एच की जगह एक लिखोगे तो ये बनेगा एक्स प्लस वन का स्क्वायर, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिर भी हो तो कमेंट्स कर दिया करें। अब आप देखेंगे इसमें से अगर हम एक्स स्क्वायर को बाहर निकालें तो यहाँ वन रहेगा, यहाँ ई बाई टू रहेगा प्लस का, यहाँ ई स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर, यानी ई बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इनमें से जो एक्स स्क्वायर है इसको बाहर किया। अब आप देखेंगे कि एक जो प्रसार है ई की पावर एक्स, इसका प्रसार होता है वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, ये एक्सपेंशन होता है ई की पावर एक्स का, जो कि आप बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। अब यहां से आगे समझें, यहां से आगे समझो कि इसको ई की पावर एक्स के अकॉर्डिंग लिखा जाए तो एक्स की जगह है ये ई बाई टू, तो हम लिख सकते हैं इसको ई की पावर एक्स की जगह है यहाँ ई बाई टू, तो इसको ई बाई टू लिखा जा सकता है, और साथ में चल रहा है ये एक्स स्क्वायर, सॉरी ये इसका प्रसार नहीं है, देखो इसका प्रसार नहीं बन रहा है, ये जो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी है ना आपने वन प्लस एक्स की पावर एन, या उसी की हेल्प से जब ये वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन निकलता है तो ये बनता है वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब, ये वाला एक्सपेंशन बन रहा है, देखो वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इस तरह से बन रहा है ये। अब इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन जो प्रसार है, इसके अकॉर्डिंग यह बन जाएगा वन माइनस एक्स, एक्स की जगह है ये ई वाई टू, तो ई वाई टू की पावर माइनस वन साथ में एक्स स्क्वायर। अभी देखिए मेरे को थोड़ी देर पहले हमने ये लिखा था ई की पावर एक्स का प्रसार, ये बनता है, जरूरत नहीं है ई की पावर एक्स की, लेकिन फिर भी आपको लिख रहे हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल थ्री, ये प्रसार बनता है ई की पावर एक्स का, यहाँ ई के पावर एक्स की जरूरत नहीं है लेकिन हमने यूं ही लिख दिया है आप लोगों को। अब आप देखेंगे कि यहाँ एलसीएम लिया जाए तो अपॉन में तो आएगा टू और ऊपर आएगा ये टू माइनस का ई एक्स स्क्वायर और इस पे इनवर्स है, इसको लिखेंगे टू माइनस ई का इनवर्स अपॉन में टू पे इनवर्स साथ में एक्स स्क्वायर, अब टू इनवर्स ऊपर जाएगा टू बन करके, और यहाँ टू माइनस ई है इसको लिख सकते हैं वन प्लस वन माइनस का ई, इसका भी होल इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं टू वन, देखो ई माइनस वन माइनस ई है ना, इसमें से अगर माइनस कॉमन लिया जाए तो ये बनेगा ई माइनस वन का इनवर्स एक्स स्क्वायर, इक्वल में आएगा ये टू, और यह बनेगा वन देखो वन माइनस डेल का इनवर्स एक्स स्क्वायर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वन प्लस डेल इज इक्वल टू ई होता है, तो यहां से अगर डेल की वैल्यू निकाली जाए तो ई माइनस वन बनेगी, इसीलिए हमने यहां जो ई माइनस वन है इसकी वैल्यू क्या लिख दी है डेल। अब यहां जो टू वन माइनस डेल जो इसका इनवर्स है, इस इनवर्स को फिर हम इसी प्रसार से खोल दें तो यह आएगा टू, और ये बनेगा वन प्लस डेल स्क्वायर प्लस का डेल क्यूब,
और बाहर है ये एक्स स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे इसमें कि एक्स स्क्वायर को ऑपरेट करें, अगर इसमें एक्स स्क्वायर को ऑपरेट करें तो इक्वल में आएगा ये टू। एक्स स्क्वायर को वन पे ऑपरेट करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को डेल पे ऑपरेट करोगे तो ये बनेगा प्लस का डेल एक्स स्क्वायर, और डेल स्क्वायर पर एक्स स्क्वायर को ऑपरेट करेंगे तो डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर आएगा डेल क्यूब एक्स स्क्वायर, और भी टर्म्स होंगी। लेकिन आप लोगों को हम पहले बता चुके थे कि अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस और भी टर्म हो, यानी एन घात का ये कोई बहुपद हो, तो डेल एन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये बना था ए एन फैक्टोरियल एन एच की पावर एन। कुछ याद हो तो, थोड़ा बहुत माइंड में आ रहा हो तो, ये डेल एन है एफ ऑफ एक्स तो इतना बनता है, और अगर एन प्लस वन हो जाए तो ये जीरो होता है। स्टार्टिंग में एक लाइन लिखाई थी हमने चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो उसके लगभग, यानी ये बात होंगी तीसरे लेक्चर या चौथे लेक्चर की, अच्छा एक काम करें अभी दोबारा से इसको ज्वाइन करेंगे तुरंत ही।